तो फेल के फैमिली एक फाड़ू सुपर हीरो गेम जिसका नाम है इनफेमस सेकंड सन, उसके तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और इन केस आपने इसके पहले के दो एपिसोड मिस कर दिए तो टेंशन कोई नहीं, दोनों ही एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप फटाफट करके दोनों ही एपिसोड देख लीजिए ताकि यहाँ तक की जितनी भी कहानी और यहाँ तक का जितना भी गेम प्ले वो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए। और अभी मैं आपको जल्दी जल्दी याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो ऑगस्टीन से फाइट करने के लिए डेल्सिन अपनी सुपर पावर्स बढ़ाए जा रहा है और वो दूसरे कॉन्ड्रॉइड से मिलकर उनको छू रहा है ताकि वो उनकी पावर सोख सके। और इसी तलाश में लास्ट एपिसोड में डेल्सिन मिला एक लड़की से जिसका नाम फेच है, और उसके पास जो नियॉन वाली पावर थी वो अब डेल्सिन के पास भी आ चुकी है। तो डेल्सिन को उसको पकड़ना है और ये पूछना है कि वो ऑगस्टीन के बारे में क्या जानती है और उसका जो भाई था ब्रेंट उसकी मौत कैसे हुई और वो इस शहर में ड्रग डीलर्स को ढूंढ ढूंढ के उनका मर्डर क्यों कर रही है। तो अगर आपने लास्ट एपिसोड देख लिया होगा तो आपको याद होगा कि ये बहुत ज्यादा ही तेज दौड़ती है फेच, लेकिन ये पावर अब अपने पास भी आ चुकी है तो इसी रफ्तार के साथ इसको जाके पकड़ना है। तो फेल आर्मी आज का एपिसोड स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन म्यूजिक क्यों ऑफ हो गया पता नहीं, शायद यहाँ पर कुछ ग्लिच आ गया है इसलिए आई थिंक म्यूजिक ऑफ हो गया, कोई बात नहीं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भाई लाइक एकदम फ्री का होता है, तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो एकदम फटाक से लाइक कर लीजिए, और आज का दिन बहुत ही अच्छा है सब्सक्राइब करने के लिए, तो इनकेस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और चलिए अब स्टार्ट किया जाए। तो ये सुपर स्पीड अब मेरे पास भी आ चुकी है, फेच को पकड़ना है, ठीक है। तो फेच बोलती है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, लेकिन ऐसे कैसे? अच्छा इसकी पावर मैंने सोख ली है, लेकिन ये अनलिमिटेड दौड़ सकती है, मैं अनलिमिटेड दौड़ नहीं सकता, ये क्या बात है? आज के एपिसोड आग जलाने वाला है, इतनी नियॉन लाइट। You can run up walls? तो गुड न्यूज ये है कि मैं भी दीवार पे दौड़ सकता हूँ, वाह। You have gotta be kidding me. तो ये वॉल पे दौड़ के ऊपर तो आ गए, लेकिन ये फेच कहाँ गई? आई थिंक ये नीचे गई, ये नियॉन लाइट को फॉलो करो। ये फेच की पावर लगता है पूरी तरह से सोखी नहीं, क्योंकि इसके पास जो लेजर मारने वाली पावर है सुपरमैन टाइप की वो मेरे पास क्यों नहीं है? She's too fast. ये नियॉन लाइट को अगर पीला कर दूं तो मैं फ्लैशी बन जाऊंगा। नहीं I'm losing her. They all deserved it. तो इसका कहना है कि जिन ड्रग डीलर्स को इसने मारा है वो डिजर्व करते थे मरना। फेच अगर रुक के बात करूंगी तब ना डिस्कस कर पाएंगे कि हुआ क्या था तुम्हारे साथ और ऑगस्टीन कहाँ है कुछ जानती हो? I just need a few more days. ये फेच को पता नहीं ऐसा लग रहा है क्या कि मैं ऑगस्टीन के लिए काम करता हूँ, क्योंकि ये ऐसे भाग रही है, लग रहा है कि मैं इसको पकड़ के जेल में डाल दूंगा। Come on! अच्छा ये वाली पावर मिलने के बाद अब ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है, ठीक है। तो फेच का कहना है कि जो काम मैं खत्म करने आई थी वो तो मैं खत्म ही करके जाऊंगी। अरे तो बताओ तो कि क्या काम है, पहले रुक तो जाओ। तो फेच वापस से गॉर्डन के में नहीं जाना चाहती, ये आई थिंक कि उस जगह का नाम है जहां पर इन लोगों को जेल में रखा जाता था, मतलब ऑगस्टीन ने जेल में रखा होगा। ये करना मतलब जरूरी था क्या? तो नियॉन लाइट सोख कर इसके पास पावर आ गई, तो यहाँ पर और भी नियॉन लाइट है, मैं भी सोखूंगा तो मेरे पास भी ये शायद लेजर वाली पावर आ जाए। हाँ देखो, ओ वेज को अगर कमजोर करना है तो नियॉन लाइट को सोखना होगा, लेकिन इसके वार से बचकर, बहुत सारी नियॉन लाइट है। Good news is less juice for her. Bad news, I'm not a night person. तो कितनी neon lights को सोखना होगा ऊपर में बन गया है। DOP bastard! Huh? Maybe stop trying to kill me and we can let the beer signs live to see another day. मैं समझ ही रहा था कि ये फेच मुझे DOP का आदमी समझ रही है, लेकिन अब बात करें एक सेकंड रुक के तब ना। अच्छा देख रहे हो, neon lights सोखने के बाद मेरे दोनों हाथ चमकने लगे हैं।
बस कुछ और लाइट्स बच गई, 2 सेकंड रुक जा फेच। Not weak anymore. Not anymore. तो ऐसी ऐसी सिर्फ 4 लाइट्स और बच गई है, लेकिन अब इसके वार भी और ज्यादा तेज हो गए हैं। Listen to me, I'm not with Augustine. You're one of a goddamn robot. How many times? Wait, are there really robots? तो ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि मैं ऑगस्टीन के लिए काम नहीं करता हूँ। I just want some of your powers. That's all. Leave me alone. तो डेल्सन तो बोल रहा है कि सिर्फ थोड़ी सी तुम्हारी पावर चाहिए और कुछ नहीं, 2 और लाइट है बस अपना काम हो जाएगा। एक तो ये डेल्सन की हेल्थ भाई, बाकी पावर वावर ठीक है, लेकिन इसकी हेल्थ इतनी कम है ना, और हेल्थ बढ़ाने का कोई अभी तक एबिलिटी आया भी नहीं है। बस बस एक और लाइट बच गई, ये फेच हो जाएगी कमजोर, फिर इस पे अटैक कर पाएंगे। तो फेच की हेल्थ बन गई, अब मैं भी ये नियॉन लाइट मार सकता हूँ ना, हाँ नियॉन बीम में मार सकता हूँ, ठीक है। तो अब इससे बॉस फाइट करनी है। Oh, I am so gonna use this. Just leave me alone. तो इसके ज्यादा पास नहीं आना, वरना ये अपना सर्कल क्रिएट करके डैमेज देती है, दूरी से इसको मारना है नियॉन बीम, ठीक है। जब मेरे पास पावर आई तो छुपने लगी फैच। बस बस ऑलमोस्ट इसकी हेल्थ खत्म है। डेल्सिन पावर ये सब ठीक है यार, लेकिन हेल्थ का कुछ करना पड़ेगा, वरना ऑगस्टीन बैंड बजा देगी। तो फेच की कहानी देखेंगे, इसके साथ हुआ क्या था। As a little girl, I never thought it'd be me. That I'd be one of them. My powers were a surprise. My parents turned me in. They knew what the government would do to people like me, and they did it anyway. I didn't know what to do, but my brother Brent just grabbed our coats and we ran. Those were hard days on the street. Moving from city to city, no comfort anywhere. Until we met some dealers. And man, they hooked us up. But then we always wanted more. And the withdrawal, agony. Always looking for a fix. And when you lose your stash, when you think someone stole it from you, the drugs, the dealers, they make you do things that... ये फेच की कहानी इमोशनल है, पता है? Oh God, Brent. The government picked me up easy enough after that. But it wasn't a regular jail. They trained me to shoot, taught me how to kill. On the day of the crash, I escaped with all those skills. Everything I needed to set things right. Brent, I promise,
Every dealer I find, I'm gonna burn your name in their chest. No one else is gonna suffer like we did. No brother. Nobody else. तो पता चल गया कि ये फेच ड्रग डीलर्स को क्यों मारी थी, सबके बारे में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं क्या हो रहा है। Nelson, you all right, brother? What happened? Oh, you did good. You did good, buddy. Come on, get up, get up. Oh, hey, you did good. I know just where to put filth like this. Somewhere where Augustine won't find her, and she won't be hurting anybody else. Hey, no. She's just killing drug dealers, man. Killing? Nelson, murdering drug dealers. What do you think I'm doing with the DUP? What you have to save the Okomish back home. She stays free. No. Dude, no way! Look, just because you have the same affliction, not gift, affliction, doesn't mean that we're gonna pick up every little piece of trash we find. Look, I'm never going to abandon you, all right? Not ever. This one goes in a cage. तो एक बार फिर से गेम ने ऑप्शन दिया अच्छा काम करने का या बुरा काम करने का। तो या तो फेच को हम लोग ठीक कर सकते हैं या फेच का दिमाग में पहले ही से जो गुस्सा भरा हुआ है उस गुस्से को और भड़का सकते हैं। लेकिन पहले इसकी कहानी जान लेते हैं। तो फेच जब छोटी थी तो इसको कभी नहीं लगा था कि इसके अंदर वो सुपर पावर आएगी और ये कॉन्डुइट बन जाएगी। लेकिन जब इसके पास पावर आई तो ये काफी सरप्राइज हो गई। और जब इसके माँ बाप को पता चला तो सरकार से छुपाने की जगह उन्होंने सरकार को बता दिया, जबकि वो जानते थे कि ये डीओपी उठा के ले जाएंगे फेच को और उसे एक जेल टाइप में डाल देंगे। तो इसने कभी नहीं सोचा था कि इसके माँ बाप ऐसा करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। पर इसका जो भाई था ब्रेंट, उसने सामान पैक किया और वो फेच को लेकर भाग गया दूसरे शहर। और ये लोग शहर से शहर इधर उधर भटकते रहे ताकि डीओपी के हाथ में नहीं आए फेच। तो ये दोनों ही कम उम्र के थे और ऐसे शहर से शहर भटक रहे थे, तो ये लोग गलत संगत में पड़ गए और ये दोनों ही बहुत ज्यादा नशा करने लगे। तो ड्रग डीलर्स ने इनका इस्तेमाल ऐसे किया कि जब इनको चाहिए रहता था हमेशा नशा, तो इनसे वो लोग अपना काम करवाने लगे कि तुम जाओ मेरे लिए काम करो तब मैं तुम्हें और नशा दूंगा। तो इस तरह से अपने जाल में फंसा लिया डीलर्स ने इनको। और इस नशे की वजह से एक दिन इसको ऐसा लगा कि इसका सप्लाई छीन लिया है ब्रेंट ने और दिमाग खराब होने लगा ऑब्वियसली इतना इतना नशा करके। तो इसी दिमाग खराबी की हालत में इसने अपने भाई ब्रेंट को ही मार दिया। और जब इसको तब तक रियलाइज हुआ कि इसने क्या किया है, तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और ब्रेंट मर चुका था। और फिर डीओपी ने आकर आखिरकार इसको उठाई लिया और फेच को उन्होंने जेल में नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग फैसिलिटी में डाला, जहां पर ये लोग इसे ट्रेन करने लगे कि स्नाइपर ये सब कैसे यूज करना है। तो डीओपी उसको ट्रेन कर रहे थे ताकि वो लोग इसे अपने लिए काम करवा पाए। लेकिन जिस दिन ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था यानी कि फर्स्ट एपिसोड में, तो फेच भी उस दिन भाग खड़ी हुई और उसने कसम खाई कि जितने भी ड्रग डीलर्स हैं सबको ये ढूंढ ढूंढ के मारेगी ताकि इसके और इसके भाई की ब्रेंड के साथ जो हुआ था वो और किसी के साथ नहीं हो। और रेजी अब इसको जेल में डालना चाहता है तो मैं मना कर देता हूं। It should be my responsibility. Yeah, because responsibility is not exactly something you excel at. I got this. Fine. I'm here for the tribe, not the Holland bioterrorists. I'm a conduit. He's cool. He's normally cool. He's just not today. Yeah. Let's talk. तो रेजी इसको कैद में डालना चाहता था फेच को, लेकिन डेल्सन ने मना कर दिया। बोला कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको सही रास्ता दिखाऊंगा और इसको ये जो ऐसे गुस्से में जाके ड्रग डीलर्स का मर्डर कर रही है इसको मना कर दूंगा मैं। तो रेजी ने बोला कि ऐसा है ना छोटे भाई, तुम जिम्मेदारी उठाना सही से जानते नहीं हो। लेकिन डेल्सन ने बोला कि मैं संभाल लूंगा, टेंशन मत लो, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन रेजी अभी भी गुस्सा है और बोल रहा है कि इस कचरे को तुम ही संभालो और अगर इसने कुछ किया ना फिर तुम देखना, मतलब मर्डर वर्डर किया और। तो रेजी ने आगे बोला कि मैं यहां अपने लोगों के लिए आया हूं, यानी कि बेटी और बाकी सबको ठीक करवाने के लिए, ना कि इन आतंकवादियों के साथ क्या चल रहा उनको ठीक करने के लिए। तो फेच ने गुस्से बोला कि मैं आतंकवादी नहीं, कॉन्डुइट हूं, समझे? तो अब वो बात करने के लिए तैयार है, यानी इसके पास जो पावर्स है जो कि अभी लॉक दिखा रही है, ये बताएगी कि उसको अनलॉक कैसे करना है, ठीक है? Alright, Reg, sorry. Oh, look who it is. What is the meeting of the Conduit Club finally over? I just wanted to talk to her, okay, to see if maybe she could help us out. Oh, you are not doing the pouting Reggie thing, are you? You know I hate that. You know someone like that shouldn't be free to roam the streets. Are you forgetting who else is someone like that? Not the same. You're different. Yes, I know. I'm your brother. And your brother is asking for your help and trying to stay alive. If you won't do it for me, then do it for the tribe. Fine. What do you need? Thank you.
I need to see what else this new power can do, and you are my go-to guy when it comes to finding the core relays. There, I sent it. For the tribe and you. Thank you. I'll let you know what I get. No, I don't want to know what you get. Bye, pouting Reggie. तो रजी अभी भी गुस्सा है लेकिन ठीक है मदद कर रहा है। Hey Fetch, you know those glowing boxes the dupes put up all over town? Yeah, I've seen them. I think they can track us with them. Well, I think I figured out a way to use them to like tap into more powers for me. I was gonna try it out on the new neon power you gave me. Gave you? And I thought maybe you'd like to tag along, you know, maybe talk me through the new stuff. I already bagged my dealer limit for the day, so why the hell not? And there's my sweet girl. Screw you. Okay, there's supposed to be one of those things at 2nd and Main. Yeah, I've seen it before. Meet you there. तो पहली बात तो ये है कि रेजी बहुत गुस्सा हो रहा है कि ऐसी खूनी लड़की फेज जैसी उसको सड़क पे ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो डेल्सिन ने बोला कि अरे मैं भी तो वही काम कर रहा हूँ, मतलब मैं भी तो डीओपी के लोगों को मार ही रहा हूँ। तो रेजी बोलने लगा कि नहीं तुम अलग हो। तो डेल्सिन ने बोला कि हाँ मैं अलग हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ, और ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं इसको सही रास्ता दिखाऊंगा ना फेज को। तो रेजी ने बताया कि ये नियॉन पावर मैं और कहाँ से बढ़ा सकता हूँ, तो सबसे पहले वहीं जाना है। What? I lost smoke? Well, what's the point of getting new powers if you have to trade in the old ones? Le, ye kya baat hui? Matlab dhue wali power meri chali gayi hai aur ab ye neon power sirf reh gayi hai mere paas. To Delsin bhi bol raha hai ki nayi power aane ka fayda kya hua agar purani power chali jayegi to. Acha, aise Fetch ko bhi bataya hai ki wo jo release DUP ne idhar udhar rakha hai usko agar soak ke main power kheench sakta hu to tumhara ye neon wala jo power hai isko main badha lunga. To Delsin ne ye jo Fetch ko saath mein bulaya hai na ek tarah se us pe nazar rakhne ke liye aur usko sudharne ke liye taki wo murder karna band kare. Hey Fetch, it's over here. Yeah, I'm cool. Conduit trackers and me don't get along. Well, wait till you see this. To Fetch duri se dekhegi. Okay, main samne se dekh leta hu aisa kya hai. Such a good idea. You're on your own, D. If something just happened, I missed it. Hey, you guys seen a girl, kind of short, purple hair? No mercy. Shoot to kill. अच्छा सर पे मारोगे तो evil karma मिलेगा. Oh. Yeah, I heard gunfire. Track you. No, I think they were just on patrol. Well, I found another one. I left you signs to find it. See it? It's a neon marker. Yeah, got it. Just follow those. इतनी सुपर पावर दी थी ढंग से यूज भी नहीं करने देते, मतलब ठीक है अगर आपको ढंग से यूज करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वही है कि खराब एंडिंग मिल जाएगी अपने को और अपने को चाहिए अच्छी वाली एंडिंग। गलत बात है यार, मतलब अगर मैं हेड शॉट लूंगा इनका ये वाली पावर के साथ तो बैड कर्मा मिल जाएगा। फेच ने मार्क कर दिया है कि वैसे रिलीज और कहां मिलेंगे जिससे मैं अपनी ये नियॉन पावर बढ़ा सकूं, तो इसको फॉलो करना है ठीक है। Hey Fetch, just stumbled across a bit of your handiwork. Think maybe you want to dial it down a notch? Gotta feed the fury, dude. Or maybe you don't feed the fury. It'll starve to death and you become a people person, like me. Or maybe you can bite me. तो फेच यहाँ से होते हुए गई और यहाँ पर भी ड्रग डीलर्स को मारते हुए गई है। तो वही डेल्सिन उसको समझा रहा है कि देखो थोड़ा मतलब मर्डर करना कम करो। तो फेच ने बोला कि गुस्से की जो आग है उस पर तेल डालते रहना हो गया। तो डेल्सिन ने बोला कि तेल मत डालो और तुम भी मेरी तरह अच्छी बन जाओगी ठीक है। तो फेच ने घर याद दिया है, तो अभी फिलहाल इसको फॉलो करते रहते हैं और फेच को भी सुधारने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। Yeah, take that, you poison peddling garbage. It's what you deserve. Hey, Smokes, you want in on this? चलो मेरे हाथ में जितना था मैंने तो बेहोश कर ही दिया, वैसे यहाँ पर एक शार्ड रखा हुआ उसको लेते हैं, उसके बाद अपनी पावर बढ़ाएंगे। Well, that hit the spot. Yeah, you still need help? Don't need it, but I'll take it. अच्छा ये क्या मिला है? Stasis bubble. अच्छा वो bubble type में ये लोग फंस जाएंगे, मतलब bomb type का है, लेकिन okay ये बड़ा बेकार है लेकिन. Oh
यार ये दो टक्के के गुंडे दो चार गोली मारते हैं, डेल्सिन की तुरंत हेल्थ खत्म हो जाती है। शक्ति बहुत आ गई है, लेकिन मैं स्टार्टिंग ही से बोले आ रहा हूँ भाई हेल्थ का कुछ करना होगा। हाँ ठीक है, हीलिंग पावर है, दो सेकंड छुपे रहूंगा तो हील तो हो ही जाऊंगा। तो नियॉन पावर अभी भी बढ़ाते रहना, अभी तो सिर्फ दो ही शक्ति मिली है, क्योंकि देखा था ना बहुत कुछ लॉक है। और ओके, मेरा नियॉन लाइट भी खत्म हो गया है। फेच, ओ फेच को फॉलो करना है, ठीक है okay, I think I got the next one. Just keep following the markers. So, how do you like killing those dealers? It's a fuzzy joke, ain't it? You know, maybe we should tone it down with the dealers. You going soft on me, D? Hey, we have powers they don't. Means we have to be the better people, you know? Cut them a little slack now and then. Think about it. Yeah, whatever. Just go get yourself some more powers. तो फेश पूछी थी कि उन ड्रग डीलर्स को मार के कैसा लगा, तो ये बोलने लगा डेल्सिन के ना थोड़ा हमें मर्डर वर्डर करना कम करना पड़ेगा। ऐसे मैंने तो किसी को मारा नहीं, पर मर गए होंगे तो अलग बात है। और डेल्सिन समझाने लगे कि देखो हमारे पास पावर है, उनके पास नहीं है, तो हमें जिम्मेदार बनना होगा। और कभी कभी नहीं भी मारेंगे तो चलेगा, मतलब नहीं मारेंगे तो ज़्यादा चलेगा, ठीक है। उनको बेहोश कर दो और जेल भेज दो, वही सही है। तो फेश ने बोला कि हाँ ठीक है, जो भी जाओ पावर बढ़ाओ अपनी। तो ये फैश ने जो साइन छोड़ा हुआ है पूरे शहर में, इसको फॉलो करते रहना है। तो धुआं वाली पावर ना फाइट करने के लिए बहुत अच्छी थी, ये नियॉन वाली लाइट अगर कहीं भागना है तेजी से। अरे देखो आदमी लोग आने लगे, चलो अच्छा ही है, पीटते हैं एक दो को। बस छूटने के साथ गोली मारना चालू। अच्छा अभी तो सिर्फ दो ही पावर ली है, लेकिन ये क्या बात हुई कि एक नई पावर मिलेगी पुरानी पावर चली जाएगी? नहीं नहीं, मेरे को ऐसा लगता है ना कि आगे जाकर सब फिर एक बार ऐसा ऑप्शन आएगा कि जो पावर मैं चाहूं अपने से चेंज कर पाऊंगा। मेरे अंदर ही होगी वो ली धुएं वाली पावर, लेकिन अब देखना है, वही तो देखना है कि कब होगा ऐसा। फेज देखो मैप में तो दिखा रहा है कि यहाँ जाना है। अरे ये लोग यार जाओ ना, अभी टाइम पास मत करो, पावर बढ़ाने दो ना मेरे को। तो फेज का नेक्स्ट मार्क आई थिंक के इधर ही किधर होना चाहिए, नहीं मतलब सामने एक दिखा रहा है। ना 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 ना, ओ मुझे लगता है कि अंदर जाना होगा, ये जो पार्क टाइप का है ना, हाँ इसके अंदर जाना है, ठीक है। Hey, there it is. Go ahead and get your convulsion on. You first. तो डीओपी के लोग सरेंडर करने बोल रहे हैं, ट्रक लेके आए। ओके, अब इनके ट्रक को उड़ाया जाए। Time to pick up the trail. तो अभी फिलहाल धुएं को ड्रेन नहीं कर सकता, देखते हो ना चोट लग जाती है मुझे। तो यहाँ से उठाते हैं वो अपना शार्ट, उसके बाद फिर फॉलो करेंगे। अरे तू बेहोश है, तो इसको मार के बेहोश कर देते हैं, अच्छा क्रम मिल जाएगा। मतलब अगर छोड़ के जाते तो ज्यादा अच्छा काम होता, लेकिन टेस्टी। तो फेच फिर से मार्क छोड़ के गई है कि कहाँ कहाँ जाना है, ठीक है। और पावर में बढ़ा रहा हूँ, इतनी थी पावर बढ़ा रहे हो, अब क्या डायरेक्ट ऑगस्टिन से फाइट करवा दोगे? नहीं नहीं नहीं, अभी तो आई थिंक दो चार शक्तियाँ और मिलनी बाकी है, क्योंकि तीन चार कैदी भागे थे ना, तो अभी तक तो दो कैदी से मिले हैं, तो कम से कम दो कैदी और बचे हुए हैं। अच्छा किसको किसको याद है कि फरवरी के टाइम में मैंने एक गेम खेला था किल द जस्टिस लीग, तो उसमें बूमर रैंक के पास ये वाली पावर नहीं थी, लेकिन हाँ वो बूमर रैंक फेंक के इतना तेज दौड़ता था, पर इसी टाइप का था कि अनलिमिटेड वो नहीं दौड़ सकता था, लेकिन हाँ ठीक है। इसमें क्या है कि अगर मैं वॉल पे दौड़ूंगा ना, तो कितना भी लंबा वॉल हो तब मैं दौड़ लूंगा, लेकिन ऐसे रोड पे नहीं।
Fetch, I see you started taking these dealers down alive. Can't help but think I had something to do with that. Yeah, all you egomaniacs think you're the reason for everything that happens in the world. No, I don't think I'm the reason for everything. I mean, just your highly visible change in behavior, that's all. तो फैच अब जिंदा पकड़ने लगी ये ड्रग डीलर्स को तो अच्छा लग रहा है डेल्सिन को कि मेरे वजह से तुम्हारा ये बिहेवियर चेंज हो गया इन कैदियों को आजाद करवा देता हूँ अच्छा वैसे फैच बोल रही थी कि तुम्हारे ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि हर चीज उनकी वजह से होता है तो डेल्सिन ने बोला कि नहीं हर चीज तो नहीं लेकिन तुम्हारे बर्ताव में जो अच्छापन आ गया है और तुम अब ड्रग डीलर्स को जिंदा पकड़ने लगी हो मैं मानना चाहूंगा कि ये मेरी वजह से हुआ एटलीस्ट तो फैच ने जवाब नहीं दिया लेकिन ठीक है चलो लड़की सुधर रही है तो नेक्स्ट मिशन यहीं पे दिखा रहा है ऊपर में या फिर नीचे नेक्स्ट मिशन क्योंकि मार्क तो ओ अच्छा मार्क को फिर से फॉलो करना है ना ठीक है कहाँ दिख रहा है यार एक तो हर जगह पिंक पिंक लाइट दिख रही है फेच कोई अलग लाइट से अपना अच्छा मिल गया ये वाली आई थिंक मेन पावर है पता है हाँ वो ऑर्बिटल ड्रॉप टाइप का है You know, anytime you want to actually hang around for one of these things... I've been thinking about what you said before. About the drug dealers on the street. Oh, yeah? The way I see it, going after those ass-gum dealers is just small time. But going up the food chain a little, finding the supplier, that'll change things. Well, I'd be glad to tag along next trip you make up the food chain. Just don't think I've ever actually changed anything before. Sure. It'll be a date with a death toll. I'll give you a call if anything comes up. तो नियॉन वाली जितनी पावर बढ़ा सकते थे बढ़ा लिया है अब बहुत सारे स्किल्स भी अनलॉक हो गए होंगे और फेच को ठीक भी कर दिया है यानी कि अब वो किसी का मर्डर नहीं करेगी आई होप मतलब जितना कर सकते थे उसको ठीक कर दिया है और वो बोलने लगी कि तुमने जो बोला था उस बारे में मैं सोची हूँ कि जो सड़क पे ड्रग्स बेचते हैं उनको पकड़ने से अच्छा है जो उनका मेन सप्लायर है उनका जाके पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो छोटी क्रिमिनल्स को टेक डाउन करने से अच्छा है कि बड़े क्रिमिनल्स जो उनके मेन बॉस है उनको टेक डाउन करेंगे तो वो कॉल करेगी फिलहाल अपनी पावर बढ़ा लेते हैं भाई ये नियॉन वाली पावर ओके पर धुएं वाली पावर भी रहती ना देखो अभी तक है नीचे लिखा हुआ तो है और मैं डर डर के ये पावर बढ़ा रहा हूँ कि अब नेक्स्ट पावर मिलेगी तो ये वाली छिना जाएगी अच्छा यहाँ पे दो मिशन है एक ब्लू और एक रेड देख रहे हो मैप में रुको दिखाता हूँ ये ब्लू वाला यानी कि अच्छे काम अगर करना है तो वहां ब्लू वाले में जाना होगा और ये रेड में अगर मैं जाता हूँ यानी गलत काम करूंगा तो ऑब्वियसली हम लोग ब्लू वाला करेंगे क्योंकि अच्छी एंडिंग चाहिए ना अपने को चलो और देखते हैं ब्लू वाले में क्या है अच्छा घोस्ट ऑफ सुशीमा में तो मेरे पास ऑप्शन था तो मैंने आपको दोनों एंडिंग दिखा दी थी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें भी ऐसा ऑप्शन लास्ट में आए ताकि मैं दोनों एंडिंग दिखा पाऊँ लेकिन मुझे लगता नहीं क्योंकि इसमें स्टार्टिंग से अच्छे काम करने रहते हैं और फिर लास्ट तक अच्छे काम करोगे तो अच्छी एंडिंग और बुरे काम करोगे स्टार्टिंग से तो बुरी एंडिंग वैसा मुझे लग रहा है तो रात का टाइम में तो चॉपर से लाइट जला के मार रहे हैं लेकिन पीछा नहीं छोड़ रहे कोई बात नहीं अपने ऑब्जेक्टिव तक अपन पहुंच ही गए हैं ये नियॉन लाइट खिंचाता है तो कितना अच्छा अंधेरा हो जाता है
बताओ कोई बोलेगा कि 2015 के गेम में लगभग 10 साल पहले आया था। तो अपना मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है लेकिन यहाँ नहीं है, यानी कि छत पे जाना होगा। ओके आओ चलो छत पे चलते हैं। Girl, you have people to see and your powers to steal. Okay, promise you won't be mad. But the good news is you can start without me. Oh, face the danger alone? Gee, that is good news. Listen, I found out a major drug shipment came in a couple days ago and it's stored on some boats there at the marina. All right, on some boats at a marina. It's all the details I need. It's a big shipment, so it'll probably be houseboats. And this group uses a dolphin as sort of their mark, so I'd look for anything on a boat with a dolphin on it. Better. But don't wait for me. You never know when they'll start offloading that stuff. So what held you up? Girl stuff. Ew, what kind of girl stuff? Putting some serious hurt on this drug dealing scumbag until he sold out his friends and told me all about this goddamn drug shipment. तो फेज किसी और ड्रग डीलर को पीटने में बिजी है तो उसको आने में टाइम लगेगा, तो चलो अंदर चल के देखते हैं क्या है। इन सब को मार के इनका शिपमेंट डिस्ट्रॉय करना है। Fetch, I'm on the docks. And I'm here on the roof. What, you couldn't wait a few more minutes? This is why I hate working with girls. फेश ने बोला कि चले जाना और अब बोल रही है कि मेरे बिना क्यों चले गए। अभी वो छत पे आके खड़ी हुई है तो इसलिए डेल्सिन भी बोल रहा है इसलिए मैं लड़कियों के साथ काम नहीं करना। वो मनुष्यों ने देख लिया। अरे ये मीटर खत्म हो जाता है यार, मतलब मार भी नहीं सकता मैं। जल्दी मारोगे तो फिर ये अच्छा वाला मीटर खत्म हो जाएगा। तो तीन जगह तो दिखा रहा है जहां जहां इनका शिपमेंट रखा हुआ है ड्रग्स का, उसको डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि पहले इनको मार ही देता हूं, ठीक है। पानी में तैर नहीं सकते इसलिए रिटर्न टू शोर करना होगा, भाई मुझे लग ही रहा था। इसलिए पानी में जाने का, ऐसे पानी में जाने से मरता नहीं है। बताओ इतने इतने गुंडों से अकेले लड़ रहा है डेल्सिन, ऊपर से ये ताना भी दे रही है कि बोर्ड्स ढूंढने में दिक्कत हो रही है क्या? नहीं नहीं दिक्कत नहीं हो रही है, सबको मार लूं उसके बाद फिर एक ही बार में करूंगा ना काम। एक मिनट यहाँ पर कोई सरेंडर कर रहा है तो उसको भाई सरेंडर उसका ले लेते हैं ताकि मेरा ये ब्लू मीटर बढ़ते रहे। एक बार मैं वो वाली शक्ति यूज करूंगा जो अभी यूज नहीं किया था। लात मार के पानी में गिरा दिया तो उसको मारना बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे आई थिंक। चलो एक तो इनका मिल ही गया है, पहले उसको मार देते हैं उसके बाद फिर आते हैं।
अच्छा पानी में दौड़ भी नहीं सकता मैं, ये तो बहुत गंदी बात है भाई। एटलीस्ट पानी में दौड़ने का तो देना ही चाहिए था। कितने लोग बच गए हैं यहाँ पर? अनलिमिटेड लोग हैं क्या? तो उससे अच्छा मैं अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेता हूँ। Yeah, drugs. Hey, Fetch, I'm gonna tag all the boats with drugs to make it easier for you to know which one to take out. Man, can't you ever go like 5 minutes without tagging stuff? तो स्प्रे पेंट से इस बोट पे मार्क लगाना है ताकि फेच दूर से बैठ के लेजर वाली शक्तियों से इसको डिस्ट्रॉय कर पाए। और वो मजाक भी उड़ा रही थी कि 5 मिनट तुमसे रहा नहीं ना जाता बिना स्प्रे पेंट किए। तो इसको अच्छा लगता है, क्या करोगे? There you go. Made it easy for you. चलो एक तो हो गया, लेकिन ऐसे ऐसे और भी दो बाकी हैं, दो या तीन बाकी हैं। अच्छा दो बाकी हैं। चलो एक तो बगल ही में और वहां पर लोग भी हैं। अच्छा फैज भी छत पे बैठ के थोड़ी थोड़ी मदद कर रही है। ऐसे मदद की जरूरत नहीं है फैज, भले ही हेल्थ थोड़ी जल्दी खत्म हो जाती है लेकिन ठीक है, तुरंत आ भी जाती है। इतना कंफ्यूजिंग टाइप का कायको बनाया है। अच्छा इधर ही है, ये वाला घर है, पर अब यहां पर भी लोग भरे हुए, पहले इनको मारने दो। No wonder it took me so long. Fetch, you said dolphin, but clearly this is a porpoise. It's a common mistake. This is why I hate working with boys. तो फेच और डेल्सिन मस्ती भी किए जा रहे हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट होके आज होने लगते हैं ना, बहुत चिड़ है। ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया काफी, ऐसे डराने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट शिपमेंट यहीं पे रखा हुआ है, इसको भी मार्क कर देते हैं। Wait, I heard something. तो मार्क करने से पहले इस घर में जो बंद है कोई लड़की, तो उसको आजाद करवाना होगा पहले। तो आ जाओ फिर, इस घर को मार कर देते हैं ताकि फैच इसको डिस्ट्रॉय कर पाए। और बाकी सब एनिमीज को मैंने मार ही दिया है, तो वो तीसरा वाला आसानी होगा। फैच, you didn't tell me there'd be girls at this party? So I heard. Dealers must be using their hookers as human shields. तो ये डीलर्स इन लड़कियों को एज अ शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? चलो इनको भी बचा लिया ना। Supposed to be a pretty big shipment. Gotta be at least one more boat that's holding. टोटल 3 शॉट से सारे काम आएंगे जब अपग्रेड किया जाएगा। वैसे ये नियॉन वाली पावर ठीक है, मुझे धुएं वाली पावर ज्यादा पसंद थी। ये ट्रैवल करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन फाइट करने के लिए मैं ज्यादा प्रिफर करूंगा वो धुएं वाली पावर। Hello? Any women of ill repute being held hostage on this boat against their will? तो यहाँ भी लड़कियाँ कह दे पहले उनको आजाद करवाना होगा, उसके बाद मार कर सकते हैं। तो तीनों बोट्स मार तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे भर भर के क्रिमिनल्स आ गए हैं, तो पहले इनको हराना होगा, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। You know what I mean?
Ready to storm the castle? I say we wait him out. Make him come to us. Oh, good. Sit and wait. My favorite strategy. And why don't you join me on the roof here and enjoy the fireworks? I'm about to light up all the drug boats. तो पहले इन सबको बेहोश कर देते हैं, उसके बाद फिर छत से जाकर देखेंगे कि फेच कैसे डिस्ट्रॉय करी इन तीनों बोट्स को, ठीक है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ही दिन होगी ये नियॉन लाइट वाली पावर चली जाएगी। You know, it's a lucky thing you were able to let those women free before we blow up the boats here. No kidding. तो फेच पूरी सुधर गई, बोल रही कि अच्छा किया उन लड़कियों को भी आजाद करवा दिया इससे पहले हम लोग बोट को डिस्ट्रॉय करें। ठीक है फेच, मैं तैयार हूं। Let's light up the bay. ये ऐसी लेजर वाली पावर मेरे पास नहीं है यार, ये वाली पावर होती तब तो फिर गर्दा उड़ा देते। Well, that's three less evil dolphin boats in the world. Three less porpoise boats. Don't worry, it's a common mistake. तो काम खत्म हुआ फेच, तीन बोट्स डिस्ट्रॉय कर दिया, भागे क्या? D, wake up. They're on the move. Probably moving some stuff to their main location. We should follow them. Let them lead us to it. तो क्रिमिनल्स अपने मेन अड्डे में शिपमेंट लेके जा रहे हैं, तो इनको फॉलो करना है लेकिन छुप के। We should stick to the rooftop so we don't spook them. You just gotta be careful not to lose them. और छत पे ही रहना है ताकि ये लोग देख नहीं ले। तो ज़्यादा नहीं, फेच तो आगे आगे जा ही रही है, तो बस उसको फॉलो करते रहना है। वो जैसे जाएगी मुझे भी वैसे ही जाना है, ठीक है? Hey, Fetch, can I ask you a personal question about that DUP detention center? Curtin K? Yeah, that's the one. No. I mean, what do you want to know? There were maybe 400, maybe 500 of us. A few of us were separated out, given special training. I was one of the separated. In 7 years, separated, you know? Curtin K was hell. It was also home. Actually, I was just gonna ask if it had a pool. You're a jackass, you know that? तो कर्डन के जहाँ पर कैद में रखा गया था फेच और बाकी कॉन्ड्रोइड्स को, उसके बारे में जानना चाह रहा था, तो फेच ने बोला कि नहीं मत ही पूछो। फिर अपने बताने लगी कि बहुत ही जहन्नुम टाइप की जगह थी और हम में से कुछ लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी। तो डल्सिन ने बोला कि मैं तो बस जानना चाह रहा था कि वहाँ पे पूल था कि नहीं था। तो गली में ये डीलर जाके रुके, इनको पीटना है और फेच का यही प्लान है। ओके, तो मारना नहीं है, कोशिश करेंगे कि मारे नहीं, पावर भी तो ऐसी है ना, ठीक है? चलो इनको पीट के इनका जो शिपमेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ट्रक के अंदर भी कोई है। All right, ladies. Come on, let's go. Live, love, just not professionally. If you want to get clean, now's the time. There won't be any more drugs on the street. Don't screw it up. And they're gone. Do you think a couple of low-life bioterrorists will ever get thanked for saving people? Yeah. I think you might have saved me. Oh. So what, are you gonna give up on your whole ritualistic murdering of drug dealers? It's like half your charm. Oh yeah? What's the other half? Actually, that was it. You just the one charm. Don't worry, I'm not giving up on my passions, just finding some new ones. Oh! Like boxing. Is that like your whole attempt at a tender moment? Ugh. You are a sentimental psychopath, aren't you? Come on, let's just get the rest of these drugs in the harbor. Maybe we can get a few fish strung out. Man, hook a dolphin. Hey. You like me. तो लग तो रहा है ये फेच पसंद करने लगी है डल्सिन को। चलो अच्छा है, इसको एटलीस्ट सुधार भी दिया है।
ये बहुत अच्छा है कि दिन हो रहा है भाई, रात में ना आंख अब मेरी खराब होने लगी थी, इतना नियॉन लाइट मैंने देख लिया है। चलो ठीक है, सुबह हो गई फाइनली। तो इन लड़कियों को बचाने के बाद भी डेल्सन पूछा था कि हमारे जैसे कॉन्ड्रॉइड्स को कोई लगता है कि कभी थैंक यू बोलेगा, हमने लोगों की जान बचाई। तो फेज बोलने लगी कि एटलीस्ट मेरी तो तुमने जान बचाई, एक तरह से मैं मर्डर वाले रास्ते पे निकल पड़ी थी तो मुझे बचा लिया तुमने। और उसने बोला कि ठीक है मैं खून वून करना बंद कर दूंगी और मैं बॉक्सिंग अप करूंगी, मतलब एक नया पैशन ढूंढ लिया है। तो दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और ऐसा लग रहा है कि फेज पसंद करने लगी है डेल्सन को। ठीक है कंटिन्यू करते हैं। By the way, I think your brother would have been real proud of what you did. I mean, killing the dealers, destroying the drugs, and freeing the sex slaves, right? Of course. Although I'm sure he would have loved me, too. Yeah. I think if you'd have seen me with those boats and drugs and dealers, you'd have been proud of me. You've done good, see? I'd like to see those lion-ass TV talkers make this look bad. तो डेल्सन फेज को बोल रहा था कि तुमने जो इतना अच्छा काम किया, अगर तुम्हारा भाई देखता आज जिंदा होता तो वो काफी प्राउड फील करता और आई थिंक कि वो मुझे भी पसंद करता अगर वो मुझसे मिलता। तो फेज ने बोला कि हाँ तुम ठीक बोल रहे हो और हमने अच्छा काम किया और मैं देखना चाहूंगी कि न्यूज वाले इस न्यूज को जो हमने इतना अच्छा काम किया है इसको कैसे झूठलाते हैं। Oh, hell yeah. Yeah, that'll help. अच्छा मुझे लग रहा था कि जब दिन का टाइम होगा तो ये नियॉन वाली पावर चली जाएगी और धुएं वाली पावर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, दिन के टाइम भी नियॉन वाली पावर यूज कर सकते हैं और नियॉन लाइट्स दिन में भी जली रहती है क्योंकि बिना उसको ड्रेन की ये पावर का तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है तो अब ऑगस्टीन के पास जा सकते हैं, इतना पावर हुआ है पता नहीं। फेच या रेजी में से किसी के कॉल का वेट करना होगा और पहले इनको पीटते आ जाओ। ऐसा लग रहा है कि रेजी अभी भी डेल्सिन से नाराज है, फोन नहीं कर रहा है। भाई फोन कर दे यार क्योंकि पतक, अरे ये लोग कितने हैं हर जगह फैले हुए हैं, इनको पीटा जाए या जाने दो। हाँ देखो अभी तक मेन ऑब्जेक्टिव आया नहीं है तो चलो इन्हीं पे हाथ साफ करेंगे यार, आ जाओ इन पे हाथ साफ करते हैं। ये डेल्सिन फोन नहीं कर रहा है तो कुछ साइड ऑब्जेक्टिव कर लें क्या? ऐसे साइड ऑब्जेक्टिव तो ये लोग जबरदस्ती करवा ही देते। ओ फोन कर दिया। I got word of a ramped up DUP presence over in the Lantern District. You must think there's a conduit hiding there. That sounds like the place to be. Hey, there's a bridge near here that'll get you there. Great. Now this is a conference call. Hi, Fetch. Hey, Abigail. Might be worth mentioning that that bridge was broken up like the 520 by the DUP. Hey, powerless. They ain't built and wrecked the bridge yet that we conduits can't cross. Right, Dee? Hey, might be worth a shot, Reg. Wow, it sounds like you're in completely competent and trustworthy hands. You know, why don't you call me if you get there? Man, how do you put up with that? He pays the bills. I'm heading for the bridge. तो रजी बता रहा था कि डिस्ट्रिक्ट पे डीओपी की हेवी नाकाबंदी है, यानी कि वहां पर पक्का तीसरा कॉन्ड्रोइड छुपा होगा तो उसकी पावर भी ऑब्वियसली अपने को खींचनी है तो वहां जाना होगा। तो फेज भी कॉल पे बनी हुई थी और वो बोलने लगी कि एक ब्रिज है, उस ब्रिज को क्रॉस करते हुए तुम वहां तक पहुंच सकते हो। तो रजी गुस्सा होने लगा, बोला ओ कॉन्फ्रेंस कॉल है, मुझे पता ही नहीं था। और तुम बताना चाहोगी फेज कि जिस ब्रिज की तुम बात कर रही हो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है डीओपी ने? तो फेज ताना मारने लगी, कह रहे हो शक्तिहीन आदमी, कोई ऐसा ब्रिज नहीं है जो हम कॉन्ड्रोइड्स पार नहीं कर पाए, सही बोल रही हो ना मैं? तो रजी फिर से गुस्सा आगे बोला, मेरी क्या जरूरत है डेल्सिन तुमको, अगर तुम वहां तक पहुंच गए तो मुझे कॉल करना। वैसे फेच पूछ रही थी कि यार ये तुम झेलते कैसे हो अपने बड़े भाई को? तो डेल्सिन ने बोला कि क्या करोगे, पैसे यही ना देता है हर चीज के, क्योंकि कमाता तो यही है। ठीक है तो ब्रिज की तरफ कितना, ओके अच्छा खासा दूर है यार ब्रिज से। जैसे ही ये कॉन्ड्रोइड मिल जाएगा इसकी तीसरी पावर अपने पास आ जाएगी। लगता नहीं है कि आज हो पाएगा लेकिन एटलीस्ट उस कॉन्ड्रोइड तक पहुंच जाए ना, क्योंकि मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि उसके पास कौन सी पावर होगी। ये अभी नियॉन लाइट और धुआं मिल गया है, अब तीसरा क्या होगा वो भी कुछ ना कुछ अलग ही होगा पता है। तो ये ब्रिज तोड़ के उसके बीच में कॉन्क्रीट लगा दिया है, आई थिंक वही है। ओ पब्लिक देखकर मुझे खुश हो रहे हैं। ओके ये उम्मीद नहीं किया था लेकिन थैंक यू।
तो इतना सारा कंक्रीट लगाने वाला काम तो सिर्फ ऑगस्टीन ही कर सकती है। प्लीज मत बोलना कि ऑगस्टीन भी यहाँ पर है, लेकिन जिस तरह से ब्रिज, हाँ वही है ना, हाँ वही है। तो अभी तो दीवार पे दौड़ सकते हैं, तो अभी तो निकल जाएंगे, टेंशन नहीं है। वो धुएं वाली पावर रहती तो नहीं पार कर पाते, क्योंकि जान रहे हो ना इतना ऊपर नहीं जा सकते थे बिना गाड़ी वाड़ी के, और यहाँ पर गाड़ी भी रखी हुई है नहीं। तो पावर तो मैं धड़धड़ा के बढ़ा ले रहा हूँ नियॉन वाली, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर से अभी कोई नई पावर मिल जाए और सारे शार्ट्स बर्बाद हो जाए। नहीं, ऐसे लास्ट में तो सब काम आएगा ही, जब ऑगस्टीन से फाइट करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी पावर यूज कर पाएंगे, वरना ये लोग ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं ना करेंगे। पता नहीं, आ जाओ फिलहाल तो ऊपर चलते हैं। Bad move, man. लो धुएं वाली पावर वापस आ गई, और नियॉन वाली पावर आई थिंक कि चली गई। This is gonna be awesome. Automatic turrets. This is so cheating. तो यहाँ ऑटोमेटिक गन लगा, ओके गन लगा के रखा है यहाँ पे, यहाँ से निकलना होगा। तो इस गन को पीछे से जाके डिस्ट्रॉय करना होगा, हेल्थ रिकवर करने, तो दो गोली पड़ती नहीं इसकी हेल्थ चली जाती है यार। सुपर हीरो हूं मैं, क्या हो रहा है? ठीक है पीछे से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस पीछे घूमे नहीं है। तो ऐसी ऐसी और भी गन्स बिछा के रखी हुई है रास्ते में, बहुत बढ़िया। पहले उनको डिस्ट्रॉय करना होगा, उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। वैसे मेरी हेल्थ तो रिकवर हो ही जाती है। हेल्थ वाला मीटर, अच्छा ये मैप के ऊपर दिखाता है, नहीं मुझे लगा शायद मैप के ऊपर मेरा हेल्थ का मीटर दिखाता है, लेकिन ऐसा नहीं। तो सिर्फ एक गन और है, ओके नहीं एक या दो गन और है। तो एक तो रास्ते में दिख रही है, लेकिन दूसरी वाली गन कहाँ है पता नहीं है। उसको छोड़ के जाए, ऐसा नहीं ना पीछे से के पता नहीं कहाँ है, मुझे नजर नहीं आ रही। पीछे मैंने कहीं छोड़ दी है तो उसको पीछे ही रहने दो, अगर नहीं देख सकती है वो गन तो फिर क्या दिक्कत है, जो आगे उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। पानी से भी जा नहीं सकता, लटक के भी यहाँ से जाता नहीं। भाई बताओ सुपर हीरो है लेकिन पानी में तैरता नहीं है। Did you want nothing from me in the crocodile? Duck and cover your ass. तो रास्ते की सारी गन्स डिस्ट्रॉय कर दी, आ जाओ उस कॉन्ड्रोइड से मिलते और देखते हैं कि उसके पास क्या पावर है। एक मिनट पहले धुआं सोख ले, तो उसके बाद कार से जंप करके वहां जाएंगे, याद है ना फर्स्ट एपिसोड में किया था। तो इन दोनों स्नाइपर का तो हिसाब हो गया, लेकिन आगे और आदमी, ओके थोड़े एडवांस आदमी आने लगे, देख रहे हो इनका सूट भी अच्छा और इनके पास पावर भी अच्छी है। बताओ क्या बदतमीज आदमी लोग, मेरा कवर तोड़ दिया, कोई बात नहीं मैं उधर जाके अपनी हेल्थ रिकवर कर लूंगा, बस एक बार हेल्थ, अरे जल्दी बढ़ जाना, करना बंद कर, कोई नहीं आने वाला जल्दी, अरे वो लोग आ जाएंगे यार। हाँ ठीक है, Yeah.
Hey, Fetch. Just left a trail of bodies and bolts across this bridge. Fetch? Goddamn girls and their short attention spans. Oh, well. Lantern District, here I come. तो फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उससे कांटेक्ट टूट गया है। नए शहर में बस इंटर करने ही वाले हैं, बस इन दोनों नमूनों को मार देना। चलो ये नया शहर अपना इंतजार कर रहा है और एक नई पावर अपनी इंतजार कर रही है। You are hell on bridges, you know that? So you recognize me? Oh, yeah, yeah. You're the one that had me dead to rights a couple weeks ago and just let me walk away? You've changed since then. You mean the smoke thing? Yeah, that's new. I hear you've learned a new trick. You've expanded your arsenal. Well, I don't know where you heard that. I mean, I'm just a lowly smoke guy. We'll see. Yeah, that's doing nothing for me. तो डेल्सिन की नई पावर देखने के लिए ऑगस्टीन इस डीओपी के एजेंट को लेते आई है जिसके पास ये वो कॉन्क्रीट वाली पावर है। तो इससे फाइट करेंगे और अपनी नियॉन वाली पावर का भी इस्तेमाल करना ही पड़ेगा अब इससे फाइट करने के लिए। तो ये सब हम लोग करेंगे लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा कल और टाटा।